देखो लिनियर इंपल्स किसको कहते हैं, तो आपको ये न्यूटन्स का लॉ पता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी वेक्टर बाई डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज द फोर्स। तो आप इसको इधर ले जाइए डीटी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको, ये सेकेंड लॉ की ओरिजिनल फॉर्म है बेटा। इससे हम मास अगर कॉन्स्टेंट होता है तो हम एम ए वैक्टर बना लेते हैं, मैंने तब भी बताया था, इसको आप एम इंटू ए वैक्टर लिख दो, अगर मास कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो एम इंटू डी ए वैक्टर बाई डी, हाँ ठीक है। ऊपर ही याद है आपको? यस सर, सर आपकी हाँ, आवाज कट रही है बीच में। आवाज कट रही है यार, बता दिया करो। चलो नेट चेंज कर देते हैं, इस पे आ जाते हैं इससे। तो देखो आपका यहाँ पर एफ वेक्टर डीटी को आप दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डीटी इज इक्वल टू चेंज इन लिनियर मोमेंटम, ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन डीपी वेक्टर पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक कहीं कुछ आया नहीं कि लिनियर इंपल्स क्या है, अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो फोर्स का डेफिनेशन लिखी इधर लेकर आगे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो हमेशा ही ट्रू है, किसी को डाउट है क्या इसके ट्रू होने में? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डीटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू पी एफ वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, ठीक है, क्लियर है आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, बताइए, ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। हेलो, हाँ, बस इस टर्म का नाम क्या रख दिया आपने, इस टर्म का एक नाम दे दिया लिनियर इम्पल्स। बोलो, तो ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ही कम फोर्स लग रहा है और बहुत देर के लिए लग रहा है तो लिनियर इम्पल्स डिफाइन ही नहीं होगा, ये बात गलत, ठीक है, ये बात गलत है, ठीक है। लिनियर इम्पल्स डिफाइन होता है हमेशा, बट काम में कब आता है, जब आप बॉल को बैट से मारते हैं, ठीक है ना, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तब आपका लिनियर इम्पल्स काम में आता है। अगर आप घर में किसी बक्से को धक्का ले जाते हुए ले जा रहे हैं तो वहां पर लिनियर इम्पल्स का रोल नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है कि वहां पर लिनियर इम्पल्स डिफाइन नहीं होता है, किसी भी इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के बीच लिनियर इम्पल्स की डेफिनेशन है पी एफ वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर, दिस इज कॉल्ड लिनियर इम्पल्स इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डीटी, ठीक है। तो वहां पे लिनियर इम्पल्स काम में क्यों नहीं आता है, जब आप बॉक्स को धक्का देते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में, या टेबल शिफ्ट करवाई जाती है आपसे कई बार घर में, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, पूरी टेबल भारी होती है तो आप उठा तो नहीं पाते, आप क्या करते हैं उसको ड्रैग करते हुए ले जाते हैं। तो उन सब केसेस में हमको लिनियर इम्पल्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमको क्लियर है बेटा कि फोर्स लगा रहे हैं, मान लो एफ, फ्रिक्शन है म्यू एम जी, तो एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन का वेरिएशन, अगर आपका फोर्स वेरिएबल होगा तब भी निकल जाएगा, कांस्टेंट होगा तब भी निकल जाएगा, तो वहां तो आप उसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर देख सकते हैं कि टेबल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। बट आप उसमें कर सकते हैं कि जब आपने बॉल आ रही है, आपने बैट से मार दिया उसको, तो वो इतना ड्यूरेशन है, इतना कम है कि फोर्स एकदम से आया और चला भी गया, क्या वेरिएशन है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कुछ भी नहीं है उसे, ठीक है ना, कुछ नहीं कह सकते आप। आपको केवल क्या दिख रहा है, बॉल का आना और बॉल का जाना, तो आपको वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली क्लियर है और फाइनली क्लियर है, बीच में एकदम से क्या हो गया उसका आपको कोई आइडिया नहीं, तो फिर कैसे डील करें सिचुएशन, तो जो दिख रहा है उसी से डील करो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बस उसका नाम रख दो, दिस इज कॉल्ड इम्पल। तो इससे क्या निकल आएगा, इस वैक्टर जो आपने एडिशन है पी एफ वैक्टर और माइनस पी इनिशियल वैक्टर का, उससे आपको फोर्स की डायरेक्शन आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर निकाल सकते हैं, कि उस बैट ने फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इस पी एफ वैक्टर माइनस पी इनिशियल वैक्टर के अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसका एक नाम रख दिया जिसे हम क्या कहते हैं, लिनियर इम्पल्स। तो वेरी लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जब लग रहा है, तो उस स्टेट में आपका एनालिसिस का एक तरीका इम्पल्स ही रह जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं रह जाता, ठीक है। बट जब फोर्स लग रहा है फॉर ए इंटरवल ऑफ टाइम, तब इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप तो हर टाइम पर वेलोसिटी जानना चाह रहे, ठीक है, और वो इतना ड्यूरेशन है कि आपको वेरिएशन भी क्लियर है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप इंपल्स कब पिक्चर में आता है, ऐसा नहीं इंपल्स होता नहीं है, इंपल्स होता हमेशा, ठीक है, बट उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लोग इसी को बोल देते हैं कि वेरी लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है उसको हम इंपल्स कहते हैं, ये बात गलत, ठीक है ना, ये है इम्पल्स। पी एफ वैक्टर माइनस, अपन लिखते हैं डेफिनेशन पी एफ वैक्टर माइनस पी इनिशियल वैक्टर, तो ये केवल तभी डिफाइन है क्या, जब लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो हमेशा डिफाइन है, ठीक
ठीक है, तो इससे आप एक चीज और देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, फोर्स और टाइम का प्लॉट दे दिया तो आपको समझ में आ रहा है इस इंटीग्रेशन से, अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर लग रहा है, देखो तीनों फोर्सेज हैं तो उनको तीनों का वेरिएशन एक ही एक्सिस पर कैसे दिखाऊं, तो मान लो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो ये एफ एक्स टी का प्लॉट है, ठीक है, तो एफ एक्स टी का जो एरिया बाउंडेड है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, कहाँ से आया, इस डेफिनेशन से आया, ठीक है। तो लिनियर इम्पल्स क्यों कब जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लिनियर ये क्लियर है आपको, और एरिया बाउंडेड बाई फोर्स टाइम ग्राफ, जबकि फोर्स आप एफ एक्स की एफ वाई की एफ जेड की बात कर रहे हैं, उस डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज दे देगा आपको एरिया बाउंडेड बाई फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये बातें अब इनको अप्लाई करना सीखेंगे हम लिनियर इम्पल्स, ठीक है, इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन तो जरूर बता सकता है, बताइए तनुष बात समझ में आ गई क्या लिनियर इम्पल्स को लेके, आप कहाँ गया तनुष, कहाँ गया, रिकॉर्ड करके बैठ जाते नहीं तो कुछ काम करने लग जाते, आ रही है, चलो ठीक है, वेरी। अरुण आप बताइए ये कंफ्यूजन आपको हटा इसमें, नो सर, ओके।